हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ाने जा रही हूँ। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाऊंगी रिवीजन के लिए। फर्स्ट पॉइंट इज प्रियॉन्स आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शंस। ये कॉज करता है मैड काउ डिजीज। इस चैप्टर में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, पहला सब टॉपिक है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज यूज टू कन्वर्ट मिल्क इंटू कर्ड। सॉरी स्पेलिंग गलत है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। और ये जो एसिड होता है, ये वर्क कैसे करता है? ये मिल्क को कोगुलेट करता है एंड पार्शली डाइजेस्ट कर देता है। एंड ये जो बैक्टीरिया है, चेक डिजीज कॉजेज माइक्रोब्स। देन कर्ड विच ऑल्सो इंक्रीजेस इट्स विटामिन B12 क्वांटिटी। डोसा और इडली इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। और जो फर्मेंट होता है तो जो पफिनेस आती है वो आती है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रेड को बनाने में यूज होता है बेकर्स यीस्ट। साइक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तोड़ी ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है, फर्मेंटेड सैप ऑफ पाम से बनती है। देन स्विस चीज लार्ज होल होते हैं उसमें ड्यू टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाय बैक्टीरियम प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। देन रॉकफोर्ट चीज राइपेंड बाय स्पेसिफिक फंजाई। और इससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्लेवर आता है। नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। माइक्रोब यूज्ड, जो माइक्रोब का यूज किस किस में होता है? बेवरेज बनाने में एंड एंटीबायोटिक्स बनाने में। माइक्रोब्स को हम लोग एक लार्ज वेसल में डालते हैं, उस वेसल को बोलते हैं फर्मेंटर्स। ब्रेड के लिए बेकर्स यीस्ट, उसका नाम क्या है यीस्ट को? साइक्रोमाइसिस सेरेवेसी। माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू इथेनॉल, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। उसको बनाने में जो यूज होता है उसको बोलते हैं ब्रीवर्स यीस्ट। देन विदाउट डिस्टिलेशन इज वाइन एंड बियर, विद डिस्टिलेशन इज विस्की ब्रैंडी राम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्क किया था स्टेफाइलोकोकाई में, इन्होंने बनाया था फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ये कहाँ से डिराइव हुआ था? पेनिसिलियम नोटेटम। इन्होंने ये चांस डिस्कवरी थी इनकी। दिस एंटीबायोटिक यूज्ड ट्रीट अमेरिकन सोल्जर वुंडेड इन World War II। इट्स फुल पोटेंशियल, मतलब ये जो पेनिसिलिन बनाई गई थी इसकी फुल पोटेंशियल मैम, इसको कन्वर्ट किया गया था एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक बाय अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरेन। फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरेन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था इन 1945। एंड एंटीबायोटिक का यूज किया था, इट ट्रीट्स डेडली डिजीजेस लाइक प्लेग, वूपिंग काफ जिसको बोलते हैं, काली खांसी, डिप्थेरिया, गलघोटू, लेप्रेसी, कुष्ठ रोग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। सिट्रिक एसिड किसे बनता है? एस्परजिलस निजर, फंजाई है वो। एस्टिक एसिड एस्टोबैक्टर एसिटी, बैक्टीरिया। ब्यूटायरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायलिकम, बैक्टीरिया ही है। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से बनता है, भी बैक्टीरियम ही है। इथेनॉल वो बनता है ईस्ट से। माइक्रोब्स ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस एंजाइम्स, लाइपेज एंजाइम है, इसका यूज होता है ऑयल स्टेन्स में। पैक्टिनेसिस एंड प्रोटीएसिस यूज होता है बॉटल जूस, क्योंकि बॉटल जूस एकदम क्लियर होती हैं, फ्रूट जूस रखने पर उसके फाइबर्स वगैरह नहीं होते हैं, तो ये उसी चीज के लिए यूज होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट बस्टर, ये कहाँ से डिराइव हुआ, कहाँ से आया, किस बैक्टीरिया से? स्ट्रेप्टोकोकस से। साइक्लोस्पोरिन ए इसका यूज होता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट में, जब किसी का होता है ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन्स का, तब उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए देते हैं इसको। और ये डिराइव कहाँ से हुआ है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। नेक्स्ट एंजाइम इज स्टेटिंस, इसका वर्क क्या है? कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल को मॉनिटर करता है। ये बनता कहाँ से? यीस्ट है मोनास्कस परव्यूरियस, ये यीस्ट का नाम इससे डिराइव होता है ये। नेक्स्ट सब टॉपिक इज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज। ट्रीटमेंट कैसे होता है? दो तरीके से होता है, फिजिकल, मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो फिजिकल होता है, जैसे फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन होता है। फिल्ट्रेशन में जो भी होता है ऊपर ऊपर तैरता रहता है फ्लोटिंग डेब्रिस,
वो रिमूव करते हैं देन सेडिमेंटेशन में जो सॉइल और स्मॉल पेबल्स होते हैं उसको बोलते हैं ग्रिट, उसको रिमूव कर देते हैं। देन उसके बाद ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फॉर्म प्राइमरी स्लज एंड सुपरनेटेंडेड फॉर्म एफ्लुएंट। मतलब क्या है इसका, तो जो भी जो सॉलिड फॉर्म रहते हैं जो नीचे सेटल हो जाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर तैरता रहता है उसको बोलते हैं एफ्लुएंट। इस एफ्लुएंट को हम लोग डाल देते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। देन नेक्स्ट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, जो भी होता है एफ्लुएंट्स उसको हम लोग एरेशन टैंक्स में डालते हैं, उसमें जाकर मिक्स करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो फ्लॉक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्लॉक्स क्या है, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज बाय बैक्टीरिया। ओके, यस, ये प्रिपरी मैंने एनसीईआरटी की लाइन छाप दी है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन ही बहुत बार आती है क्वेश्चन में और आ चुकी है। बीओडी इज मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल। सिंपल सा है, आप जब एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तो सिर्फ आपको इस लाइन से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज एरेशन टैंक्स सेटलिंग टैंक्स में, जो भी है ये ऊपर मैंने बताया था सेटलिंग टैंक्स में जाएगा। देन सम पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, जो एक्टिवेटेड स्लज रहता है उसका कुछ पार्ट एनरोबिक स्लज डाइजेशन में जाएगा। देन इसमें बैक्टीरिया जो यूज होते हैं वो प्रोड्यूस करेंगे CH4 मतलब मीथेन, H2S CO2, इसे बोलते हैं बायोगैस। देन माइक्रोब्स प्ले मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इन्होंने कुछ रिवर वाटर्स को बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान बनाया। नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। फर्स्ट पॉइंट इज बैक्टीरिया ग्रो एनएरोबिकली ऑन सेलुलोज मटेरियल एंड प्रोड्यूस CH4CO2H2। ये जो बैक्टीरिया है क्या है, मिथेनोजेंस, एग्जाम्पल मिथेनोबैक्टीरियम। दीज बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है एनएरोबिक स्लज जब था डाइजेशन उसके टाइम में ड्यूरिंग सीरियस ट्रीटमेंट उसमें यूज होता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमेन ऑफ कैटल, कैटल में होता है तभी तो वो जिसके गोबर से हम लोग बायोगैस का बनाते हैं, बायोगैस प्लांट में बायोगैस निकलती है रूरल एरियाज में, और उसका यूज क्या है, कुकिंग एंड लाइटनिंग। टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। नेक्स्ट अप टॉपिक इज माइक्रोब्स एज बायोकंट्रोल एजेंट्स। इसमें जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है लेडी बर्ड, रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स होती है, सॉरी स्पेलिंग गलत है, इसका यूज किया एफिड्स को रिमूव करने के लिए। ड्रैगन फ्लाइज आर यूज टू कंट्रोल मस्कीटोज, BT कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर। ये कैसे होता है, BT के सैशे आते हैं एज ड्राई स्पोर्ट्स में, ड्राई स्पोर्ट्स के सैशे होते हैं उसे वाटर में मिला करके देन उसको हम लोग स्प्रिंकल कर देते हैं तो छिड़क देते हैं ब्रैसिका एंड ट्रू ट्रीज में। देन ये जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं मतलब माइक्रोब्स हैं, इसका यूज होता है टू ट्रीट प्लांट डिसीज। एग्जाम्पल क्या है, फंजाई ट्राइकोडर्मा स्पीशीज, ये फ्री लिविंग होती है एंड कॉमन होती हैं इन रूट इकोसिस्टम में। बैक्टीरियल वायरस आर पैथोजन, ये एक पैथोजन है, ये अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। बट कुछ बैक्टीरियल वायरस के जो जीन्स होते हैं वो जो कुछ मतलब अच्छे होते हैं वो है, इसको हम लोग यूज किए थे टू कंट्रोल डिजीजेस। तो इसका एग्जाम्पल है जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ये स्पीसीज स्पेसिफिक है नैरो स्पेक्ट्रम है। देन माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करते हैं बायोफर्टिलाइजर। मेन सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर इज बैक्टीरिया फंजाई साइनोबैक्टीरिया। नोड्यूल्स ऑन रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट
ये बनता कैसे है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम से। नाइट्रोजन इंक्रीज, नाइट्रोजन कंटेंट को सॉइल में इंक्रीज करने के लिए वो यूज करते हैं एजो स्पायरलम एजोटोबैक्टर, ये दोनों फ्री लिविंग होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, इन दोनों का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उससे फॉर्म होता है माइकोरिजा। जो जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोरिजा। नेक्स्ट पॉइंट इज साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं, एग्जाम्पल है एनाबिना नॉस्टॉक ऑसिलेटोरिया, इसका यूज क्या है? दे फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट इज पैडी फील्ड, पैडी फील्ड मतलब जहाँ पर धान की खेती होती है, पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया का यूज होता है जो कि एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर है। BGA ब्लू ग्रीन एल्गी एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इट इंक्रीजेस इट्स फर्टिलिटी। मुझे पता है मैंने बहुत जल्दी पढ़ा दिया है, बट ये रिविजन के लिए आप पहले अपना NCERT से चैप्टर पढ़ लीजिए, देन आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लीजिए, इसको आप फॉर रिविजन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक यू।